बातों से बातों में फंस के घायल हो रहे थे। किसी भी बात में फंस के, कोई भी बात, तब आप और लहूलुहान हो रहे थे और तकलीफ में थे और ज्यादा परेशान थे और उस स्थिति में जब फंसे हुए होते हैं उस स्थिति में कोई मार्ग दिखाई नहीं देते, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा फैला लिया, मैंने अपने सोच के पंख को बहुत ज्यादा झाड़ियों में फंसा दिया। सोच सोच के क्या करूं क्या करूं कैसे करूं। अब कभी भी मैंने अपने आप को फंसाना नहीं है, चाहे बात कितनी भी बड़ी हो। जिस बात को छूकर मुझे जाना है, जिस बात को, वो बात मुझे छूने आएगी ही आएगी। यानी जो पेपर मेरे जीवन में आना, जो जितने पेपर अर्जुन के जीवन में आने थे वो आने ही थे, अर्जुन चाहे या ना चाहे। इसी तरीके से जो बातें मेरे जीवन में आनी है वो आकर ही रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कोई अनहोनी बात हो तो चिंता करो, जो होनी है वो होके रहेगी। तो उस होनी में, जब होनी चल रही है, उस होनी में शांत हो जाओ। शांत शांत होते ही फ्लेक्सिबल बन जाएंगे, अकड़ खत्म हो जाएगी। अकड़ कब पैदा होती है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब होगा, कैसे, कौन करेगा, उस समय अकड़ जाते हैं। भीतर से मन का वेग अकड़ जाता है, मन की शक्ति अकड़ जाती है। और जब शांत हो जाते हैं, वही मन की शक्ति बहने लगती है। जो मन की शक्ति एकदम ठोस हो जाती है, बहती नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, अकड़ जाती है मन की शक्ति, वो शक्ति को बहने का तरीका मिल जाता है कब, शांत होते ही। समझ आए, कोई भी बात को शांत हो जाओ, शांत। दिन भर में से 10 बार 20 बार शांत होने का अभ्यास बढ़ाओ। मुझे शांत होना आता है, या मैं 24 घंटा भीतर से चलता ही रहता हूं, चलता रहता हूं, एक बात जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है तीसरी आती है, चलता ही रहना। जिसका संकल्पों का क्रम चलता रहता है, चलता रहता है, रुकता ही नहीं है, वो कभी अपने आप को साध नहीं सकते। साध वही सकता है, रास्ता वही खोज सकता है जिसे बस शांत रहना आ गया। शांति से परिस्थिति को देखना आ गया है।
आपने चिड़िया को देखा फंसी हुई झाड़ी में, आप शांत हैं तो उसको भी शांत करके निकाल सकते हैं, और उसको फंसे हुए देख के आप भी हाय चिड़िया फंसी, चिड़िया फंसी, चिड़िया, आप भी बेचैन हो गए, वो तो बेचैन थी, आप भी बेचैन हो गए, तो दोनों बेचैन मिल गए, दोनों उलझ गए। और ये बात फंसने वाली हर रोज आती है, हर दिन आती है, और उसमें उस फंसने वाली बात में आपको देखना आ गया, शांत शांत कुछ नहीं होगा, शांत आप भी शांत, सामने वाली परिस्थिति भी शांत, और चुपचाप उसे बाहर निकाल लेंगे। इस अशांत जिंदगी में कितना कुछ बिगाड़ लेते, कितना कुछ मिला हुआ है, भरपूर मिला हुआ है, बेअंत मिला हुआ है, उस हिसाब से देखें तो। लेकिन कभी भी उस बेअंत मिले का शुक्रिया अदा निकलता नहीं, एक असंतुष्टता हर समय भीतर में बनी रहती है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये। शांत भाव से मिले हुए प्राप्त हुई चीजों का धन्यवाद देना शुरू कर दे, उसका शुक्रिया अदा करना शुरू, ये चीज है, ये इसी रंग के पर्दे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसी रंग का कलर है, बहुत अच्छा, ये ऐसा है, बहुत अच्छा, आज कोई सब्जी नहीं बनी है, चार से रोटी खानी है, बहुत अच्छा है, घर में अचानक से कोई आ गया, कुछ नहीं पड़ा, बन जाएगा, कुछ हो जाएगा, कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा, हो जाता है, और उस समय हल 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 हो गए तो सामने पड़ा हुआ समाधान सामने पड़ा हुआ दिखाई नहीं देता जब हल हल हो जाते। पहले यही उड़ जाता है, इसका फ्यूज उड़ जाता है सबसे पहले, और जब इसका फ्यूज उड़ जाता है तो सारा पूरा फ्यूज उड़ जाता है, मेन तो ये है ना, तपस्या करके अपने आप को संयमित करके दिन 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 समाधान खोजने का प्रयास कर। आज के दिन जो बातें मेरे सामने हैं उसमें उसको कैसे समाधान कर सकता हूं, आज के दिन की जो प्रॉब्लम है, आज के दिन की बातों को सॉल्व करना है, और कैसे, तरीका क्या, मेरे भीतर जो हर समय ट्रैफिक चलता रहता है, ये एनर्जी यहां लग रही है, ये एनर्जी यहां लग रही है, ये यहां लग रही है, ये यहां लग रही है, ये यहां, किस किस को सेट करने में एनर्जी लगी हुई है, एक भीड़ हर समय चलती रहती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ,
और जैसे ही आप शांत हो जाते हो, अनवांटेड भीड़ छट जाती है। बहुत सी तो भीड़ मेरे भीतर अनवांटेड है, जो मुझे मेरी जरूरत ही नहीं है जिसकी। ये आया तो क्यों आया, ये गया तो क्यों गया, इसको आना चाहिए था, इसको नहीं आना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ये अनवांटेड भीड़। तमाम जिंदगी इसी भीड़ को सहेजते सहेजते निकल जाती है, और फिर ना मैं इस भीड़ के लायक बचता हूं और ना ही अपने लायक। इस भीड़ को सहेजते सहेजते ना भीड़ ही संतुष्ट हो पाती है, क्योंकि भीड़ का कोई और छोर नहीं है इन बातों का, जो बेबाक बातें हर समय सर में बैठा के रखते हैं, उनका ना कोई और है ना कोई छोर है। उनको संतुष्ट करते करते बिल्कुल बेमायने हो जाते हैं, प्राइसलेस। मुझे बनना है, मुझे करना है, मुझे बढ़ना है। अपने भीतर में एक एकांत तुम्हें कुटिया बना लो, अपने ही भीतर। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर कोलाहल है, भीड़ है, बाहर भटकाव है। जहां बैठे हो, जिस स्थान पर बैठे हो, जिस कमरे में बैठे, वहीं भीतर जाओ। आपके भीतर अनंत शांति वास करती है। अनंत प्रेम, अनंत साधना, अनंत चैन, अनंत विश्वास, अनंत ऊर्जा वास करती। कहाँ? भीतर में। मेरा मालिक अनंत है, उसने अपने जैसी ही अनंतता के फीचर्स मुझ में भी डाले हैं, जैसा खुद है। और उनको मैं बाहर ढूंढता हूं, शायद इसमें ये काम बन जाएगा तो इसमें बात बन जाएगी, ये काम बन जाएगा तो इसमें बात बन जाएगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो बस सदा के लिए खुशियां आ जाएंगी। नहीं, वो अनंत भाव और अनंत भावना, अंतःकरण में पड़ी है, अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है,
सबकॉन्शियस माइंड का ये मतलब नहीं कि ऊपर वाले में माले में पड़ी है, हार्ट में पड़ी है, दिल में पड़ी। भीतर 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 सुमट जाओ। एक छोटी जोत बन जाओ। अखंड जो पूरा सिमट जाओ भीतर। इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी ले आओ अपने आप को अंदर में, समेट लो पूरा भीतर में एक ज्योति। वही मैं वही समाधानी है, वही ज्योति समाधानी। वही आगे बढ़ने का जरिया है, वही मुक्ति का उपाय है, वही वही भीतर में ज्योति। वही सब सर्व मुश्किलों का निदान, बस रहो सिमट के। हार्ट के मध्य जागृत होके रहना। ये भी नहीं कि शांति मिली और चले गए परले पार। उसको देखते रहो, उसके आनंद में खो जाओ। भीतर में जो ज्योति जग रही है उसके आनंद में खो जाओ। वही महाज्योति है, जब भीतर में प्रकाश हो जाएगा, भीतर की अलख जाग जाएगी, अपने आप बाहर के बादल छट जाएंगे। जो बाहर काले बादल हैं, बाहर जो चक्रवात हैं, बाहर जो तूफान है, वो सब थम जाएंगे जब भीतर का अलख जागेगा, जब सत्य जागेगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, तू खुद अपना काम करेगा, ये उसको बताने की जरूरत नहीं है। तू कर कुछ अपना काम, अपनी जिम्मेवारियों का एहसास उसे स्वयं है। वो हमारे जैसा थोड़ी है जिसको बार बार जिम्मेवारियों का एहसास कराया जाए, उसे खुद है। एकदम शांत और करके देखो कि आपकी फंसी हुई चिड़िया बाहर उड़ने के काबिल बनती है कि नहीं, आपकी परिस्थितियां मुक्त होती हैं कि नहीं। इसको अपना के देखो। जब
सारा ट्रैफिक कंट्रोल हो जाता है, हम भागने से बच जाते हैं, टिक जाते हैं, एक स्थान पर रुक जाते हैं। अपने आप सारा बिखराव सारी मौज खत्म हो जाती, टकराव खत्म हो जाता। मैं क्यों टकराऊं किसी से, क्या जरूरत पड़ी है? कोई मुझे दो बात फालतू बोल भी जाएगा तो कौन सा मेरे लगी रह जाए। अपनी समरसता में रहने की आदत बनाओ, जब मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा तो क्यों कोई दूसरा मुझे छेड़ेगा? और अगर अभी कोई बातें हैं दूसरों के मन में करुणा से, दया से, क्षमा से, क्यों पत्थर ढोएं दिल पर बातों के? इतनी तकलीफ से गुजरते हैं दूसरों के पत्थर उठा के चलते हैं तो उसे क्षमा कर, उसे दया कर, उस पर करुणा कर। आप आगे बढ़ जाओ, मैंने बात गांठ बांध कर भी रखी तो फायदा क्या हुआ मुझे उस गांठ का? कुछ मिलने वाला है क्या? गांठ खोल के उसे मुक्त कर दो, हार्ट में जलती हुई, हार्ट सेंटर है पूरी बॉडी का। ये मैं जो बीच में मध्य में ज्योति है, हार्ट के बीच शांत ज्योति एकदम, ये मैं, ये मेरी पहचान। ज्यादा से ज्यादा समय मुझे इसका अभ्यास बढ़ा सिमटने का, बहुत समय सिमटे रहने का अभ्यास, उसकी पावर मुझे परिस्थिति के समय काम आएगी। अभी अभ्यास किया नहीं और फिर कोई बात आई तो क्या होगा? एकदम डावाडोल।
और अभ्यास किया हुआ होगा सिमटे रहने का, तो उस समय पर ये अभ्यास बहुत काम आएगा। उस समय आपको इसकी वैल्यू पता चलेगी। खजाना बेअंत है, लेते जाओ, सधते जाओ।